देख रहे कि मैं फिर से किचन पे हूँ क्योंकि काफी दिन हो गए और कुछ ऐसा स्पेशल बनाया नहीं है। तो अभी मैं दोपहर में कुछ आइटम शॉपिंग के लिए खरीदने गया था तो वहां पे मैंने ये देखा कि इंस्टेंट डोसा बनाने का ये पैकेट मुझे मिला, तो मैंने कहा क्यों ना इसको ट्राई करा जाए, बना के देखा जाए और साथ ही अपने फ्रेंड्स और अपने व्यूअर्स को भी बताया जाए कि किस तरीके से इसको बनाना है और बनाने के बाद कैसा टेस्ट इसका आता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मेरा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम और आप वर्क फ्रॉम होम में आप जानते हैं कि काम करते करते बीच बीच में भूख लग जाती है और जो हम अपना हिंदी में बोलते हैं कि चुटर पुटर खाने का कुछ मन होता है, मेरे तो अक्सर मन होता रहता है खाने का कुछ ना कुछ। तो उसके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट डोसा। जो भी बैचलर्स रहते हैं या जो भी लोग अभी सिंगल्स रह रहे हैं, मतलब आपके पास बहुत ही लिमिटेड किचन की यूटेंसिल्स होंगे, तो कम यूटेंसिल में किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ आपको फ्राइंग पैन चाहिए और साथ ही साथ जो उसके पीछे मैंने पढ़ा हुआ है कि बनाने की क्या प्रोसेस है, तो उसमें आपको सिर्फ कर्ड चाहिए और पानी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमको एक कप जो मटेरियल है वो लेना है और उसको हाफ कप दही में मिलाना है बाउल में, और साथ ही साथ जो कर्ड और जो आलू चाहिए था क्योंकि मसाला डोसा में हम आलू डाल के बनाते हैं, तो वो पहले से ही मिताली ने मेरे लिए रेडी करके रखा हुआ है। तो अब मैं मिक्स कर लेता हूं ताकि हम पेस्ट जैसा बना सके। ये रहा कर्ड, हमको ये ध्यान रखना है कि लम्स ना आए और जो इसका मेजरमेंट है वो एक बार हमने देख लिया कि किस तरीके से था। बाकी जब आप बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल चार लोगों के लिए बना रहे हैं, दो लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमें 5 मिनट्स के लिए इसको रखना है ताकि जो भी इसमें एक तरीके से बैटर थोड़ा फूल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो 5 मिनट्स तक हमको इसको आइडियल रखना है। मीनवाइल तक तब हम, क्योंकि मसाला डोसा बनाना है तो आलू ऑलरेडी बॉइल्ड होके मिताली में चॉप करके मेरे लिए रेडी कर दिए थे। अनियन मैंने अभी चॉप कर लिया है, थोड़ी सी मिर्च ली है और अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। बीच में आपको आवाज आ रही होगी चियो की, क्योंकि जैसे ही कोई चीज बनना स्टार्ट होती है तो हमें चियो को जरा आभास हो जाता है कि कुछ स्पेशल बन रहा है। और अब मैं जो मैंने अनियन चॉप करे हुए थे वो पैन में डालूंगा। तो ये जीरा और हमारा अनियन फ्राई हो रही है, 2-3 मिनट तक इसका हमारी अनियन फ्राई हो रही है।
तो आलू मैंने इसमें डाल लिए हैं क्योंकि हमें मसाले के हिसाब से देखा तो जैसे कि मेरे को मसाला डोसा में जो आलू रहते हैं वो पेस्ट जैसा रहता है, तो ये मेरे पास है स्नैक्स। तो फ्रेंड्स मसाला हमारा रेडी हो चुका है आलू का मसाला डोसे के लिए, और ये जो हमने बैटर बनाया था और इसको रखा हुआ था, तो ये देखिए आप इस तरीके की कंसिस्टेंसी लेनी है, दिस कंसिस्टेंसी वी वांट, और ये फाइन फाइन हमारा रेडी है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि काम करना इजी रहे। ये रहा हमारा तवा। तो आपके पास बटर है या घी है जो आप प्रेफर करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, सबसे पहले पैन पे लगा लें ताकि जब आप बैटर डालें तो इजी रहे।